वशाउस्सब्र इज अ मंथ ऑफ पेशेंस. हुजूर फरमाते हैं रमजान सब्र का महीना है. एंड देन हुजूर सेज वस्सब्र थवाबहु अलजन्ना. पेशेंस और सब्र, द रिवार्ड ऑफ पेशेंस इज ए जन्नत. सब्र का सवाब कुछ और नहीं, सीधे जन्नत, सीधे जन्नत. रमजान में क्या करते हैं आप? There is a food in front of you. There may be water in front of you. Many kinds of foods. लेकिन हर तरह की नेमतें आपके सामने होंगी. But still you be patient to wait until the sunset. है ना? ग़ुरूब आफ़ताब या मग़रिब का इंतजार करते हैं. क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया है कि उस वक्त तक रुको. खाने पे सब्र, पीने पे सब्र, अपने ख्वाहिशात पे सब्र, ये सारी चीजें करते हैं तो उसकी जज़ा हुज़ूर फरमाते हैं सब वस्सब्र तवाबहु अलजन्ना व शहरुल मवासात व शहरुन युज़दादु फीही फी रिज़्क़िल मुमिन. और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह मोमिन के रिस्क में इजाफा कर देता है. अल्लाह इंक्रीजेस द सस्टेनेंस ऑफ बिलीवर इन द मंथ ऑफ रमज़ान. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه واتق رغبته من النار. الله اكبر. If someone offers iftari to a fasting person in the month of Ramadan, then Huzoor says that it is his way to the furnace. अगर कोई रमजान में रोजेदार को इफ्तारी कराए, हुजूर फरमाते हैं वो उसके लिए मगफिरत है, उसके लिए मगफिरत है और फिर उसे जहन्नम से आजादी है. अगर रोजेदार को इफ्तार करा दो तो वो जहन्नम से आजादी है. एंड सेज वकान लहू मिथ्लु अजरिही मिन गैरी अन यनकुसा मिन अजरिही शै. अल्लाहु अकबर. अगर किसी ने ऐसा कराया और साथ में किसी ने इफ्तारी की, बरकत तो जरा देखे, जो तो कराएगा वो तो उसको मिलेगा ही, और अगर कोई इफ्तारी करे किसी के हाथ से तो अल्लाह ताला उसको भी वैसा ही अजर अता करता, उसको भी वैसा ही अजर. और दोनों के अजर में कुछ कमी नहीं होगी, किसी के अजर में कुछ कमी नहीं होगी. इफ ये चेन, अगर ये चेन बढ़ती है, एक से ज्यादा को कराए, वो किसी और को कराए, किसी के कहने पे कराए, उसकी वजह से कराए, जरिए से कराए, तो किसी के सवाब में कमी नहीं होगी. अल्लाह सबको सवाब बराबर अता फरमाएगा. यानी पहले वाले को तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा सवाब मिलेगा, बिकॉज ही इज द रीजन. और उसके बाद जो भी करेगा ऐसा नहीं है कि वो सवाब से महरूम रहेगा, सबको सवाब जरूर अल्लाह अता फरमाएगा.